मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और जनता से अपील की कि मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति को बनाए जो विकास की गंगा बहाए, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री ना बनाए जो पैसा ना होने का रोना रोए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना जिले को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना के हवाई पट्टी के पास आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले सतना के सर्किट हाउस के पास वेंकटेश लोक का लोकार्पण किया। करीब 8 करोड़ की लागत से शहर के प्राचीनतम वेंकटेश मंदिर का जीर्णोद्धार के बाद लोकार्पण किया। उन्होंने करीब 1,114 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने किसान सम्मेलन पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस नेता कमलनाथ को निशाने पर लेते हुए जनता से अपील की, जो व्यक्ति विकास न करे बल्कि राशि होने का रोना रोए, ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना। जरा ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के, जैसा मध्य प्रदेश का विकास हमने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, बताओ कभी कांग्रेस ने किया था क्या? अरे पीछे तक बता दो, किया था क्या? विकास की गंगा बह रही है। मैं सवेरे से लेकर देर रात तक लोकार्पण, शिलान्यास, आज यहां से प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जाऊंगा, वहां से उज्जैन जाऊंगा और कल भोपाल से ही लगभग 50,000 करोड़ के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। विकास की ऐसी गंगा कि मुझे ही देख के आश्चर्य हो रहा है। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे 24 घंटे रोते रहते थे, कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। आप बताओ, जो रोए और ये कहे मेरे पास पैसे नहीं है मैं क्या करूं, उसे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, रो तो हर कोई दे, धन्नू पन्ना कोई भी कहते मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।